हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नाइट जैन का डोरमेट बनाना बताती हूँ, जिसमें हमने यहाँ पे पुरानी चुन्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी ये दो कलर में चुन्नी बनी हुई है, तो इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा डोरमेट बताऊँगी, जिसके लिए मैंने 9 नंबर सिलाई ले ली है। इसी से बहुत ही ईजी सा प्यारा सा डोरमेट बताएंगे, जिसमें हम अपना 22 फंदा डालेंगे। 22 फंदे से मैं आपको इसकी शुरुआत बताएंगी, शुरुआत से ही हमको। और यहाँ पे हमने ये नॉट लगा ली है, जिसमें हम एक फंदा अपना डाल चुके हैं। ये देखिए, फंदा हमने इस तरह से नॉट लगा के डाला हुआ है। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसमें 22 फंदा डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने नॉट लगा के फंदा एक डाल लिया है और आगे के फंदे हम इस तरह से डाल लेंगे। तो 22 फंदा ले लेती हूँ। एक ही कलर से मैं आपको बता रही हूँ, दो कलर में हमारी ये दुपट्टा है, पुराना दुपट्टा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से फंदे डालने हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे आगे के फंदे हमारे ऑरेंज से आएंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे 22 फंदा अपना लेके इसको कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपना फंदा डाल चुके हैं और मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और सिंपल तरीके से बताऊंगी, इसे ज़रूर आप ट्राई करें। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये बनके हमारा कंप्लीट होगा। चुन्नी को मैंने 1-1 इंची की दूरी पे कट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब हम आपको शुरू से ही बताएंगे किस तरह से हमने बनाना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आ चुके। तो यहाँ पे हमने 22 फंदा डाल लिया है। सबसे पहले मैं एक सिलाई इस तरह से इसमें बना लूंगी। एक सिलाई हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे अपनी एक सिलाई 22 फंदे डाल के एक सिलाई हम बना चुके हैं। एक सिलाई बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम इसी कलर में साथ में लेस भी बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से हमने बनाना है। ये देखिए, दो फंदों पे ही हम अपना, ये देखिए इस तरह से एक फंदा मैंने उतार लिया है और अपनी तरफ है धागा, और यहाँ पे जाली डालते हुए हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। इसके बाद हम दो फंदों पे ही अपना यहाँ पे जाली बना रहे हैं, डिजाइन को बना रहे हैं, और लास्ट में हम 20 फंदों को इस तरह से बुनेंगे और लास्ट के दो फंदा अपना बिगर बुना छोड़ेंगे। लास्ट का मैं दो फंदा अपना बिगर बुना छोड़ूंगी। अगर आप चाहते हैं इसमें दूसरे कलर की लैस लगाना, तो आप 2 कलर से भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हम सिंगल कलर से ही आपको बता रहे हैं। सिंगल कलर में जो 2 कलर हैं हमारे, 2 कलर मिक्स हैं इसमें। लास्ट का 2 फंदा मैंने छोड़ दिया है, यहीं से मैं अपना वापस हो जाऊँगी। अब ये देखिए, अब यहाँ पे अपना दूसरा पार्ट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जब भी हमने चुन्नी को कट करना है, तो इस तरह से हम धागा, ये देखिए, लगा लेंगे और दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे इसको, और इस तरह से, ये देखिए। अब यहां पे मैं
उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा ही बनाऊंगी। तो देखिए जो बड़ा हुआ फंदा उसको भी हम बना लेंगे। ये देखिए अब हमने फिर से क्या करना है, यहाँ पे हम अपना धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको हम जो बढ़ चुका है फंदा वो हम उल्टा बनाएंगे। उल्टा बना जो बढ़ता हुआ फंदा जाएगा उसको हमने उल्टा बना लिया है। इसके बाद हमारा ये फंदा सीधा है तो सीधे पे ही हम धागा अपनी तरफ है और हम जाली बना देंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, आगे के फिर से हम 18 फंदों को बुनेंगे, लास्ट के 2 फंदा फिर से छोड़ेंगे। लास्ट का मैं फिर से 2 फंदा छोड़ूंगी और मैं आपको इसमें एक पत्ती बना करके बता रही हूँ। आपने पूरे डोरमेट में इसी तरह से उसको कंप्लीट करना है। ये देखिए फिर से मैंने 2 फंदे छोड़ दिए, यहीं से अपना टर्न कर लूँगी। उल्टी सिलाई को बना लेते हैं ये। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले फंदे को उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे और हम यहाँ पे 2 फंदा बढ़ चुके हैं, इनको हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। जो भी फंदे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे उनको हम उल्टा ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फंदा मेरा सीधा है तो सीधे फंदे पर ही मैं इस तरह से ये देखिए जाली बनाऊँगी, धागा अपनी तरफ कर लूँगी, लास्ट के हम 2 फंदा फिर से छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 2-2 करके अपना 20 फंदा को छोड़ लेंगे और 10 फंदा अपना बढ़ा लेंगे। ये देखिए फिर से लास्ट के मैंने 2 फंदे छोड़ दिए तो यहाँ पे 2, 4, 6 फंदे छूट चुके हैं और यहाँ पे 3 फंदा बढ़ चुका है, यहीं से टर्न हो गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना 20 फंदा छोड़ते हैं और 10 फंदा बढ़ा लेते हैं। इसके आगे आपको फिर से दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में दिखा रहे हैं हम, अभी 6 फंदा छोड़ना है बाकी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है बनाने का। 22 फंदे डाले थे, इसको हम उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फंदे को उतार रहे हैं और धागा अपनी तरफ कर लिया है, इस साइड हम बुनाई कर रहे हैं इसकी और इस साइड हम इसी तरह से सिलाई के ऊपर स्लिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो बढ़ चुके हैं फंदे उन्हीं को सभी को उल्टा उल्टा बुन रहे हैं और ये देखिए सभी को हम बुन चुके हैं और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हम धागा अपनी तरफ है और यहाँ पे हम जाली बना देते हैं, फंदा भी बढ़ जाता है और जाली भी हम बुन रहे हैं। ये देखिए लास्ट के फिर से 2 फंदे छोड़े हैं, अभी यहाँ पे 4 फंदा है, 4 फंदा छोड़ना बाकी है। उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना है, जो हम बढ़ा चुके हैं फंदे को उसको भी हम इसी तरह से बुनेंगे। देखिए बुन लिया, एक ही कलर से हम आपको ये बता रहे हैं, आप इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे ये देखिए इस फंदे को हम नहीं गिन रहे हैं, कितने फंदा बढ़ चुका है, 1, 2, 3, 4,
पाँच, छः, सात और ये आठ। ये फंदा मैंने नहीं लगाया ताकि जिस पे हमने यहाँ से शुरुआत में अपनी जाली बनाई हुई है उसी तरह से। तो आठ फंदा बढ़ चुका है और नौवां फंदा हम बढ़ा लेते हैं। लास्ट का हम फिर से दो फंदा अपना छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से दो दो फंदे छोड़े हुए हैं और यहीं से टर्न करेंगे और दसवें फंदे को हम यहाँ पे अपना दो फंदा छोड़ेंगे और दसवें फंदे को बढ़ा लेंगे। आपके पास जो भी पुरानी साड़ियाँ हैं, पुरानी चुन्नियाँ हैं, उन्हीं से आप इस तरह का एक ही कलर से डोरमेट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस लेस को दूसरा कलर का लगाना तो मैंने अपने चैनल में डाली हुई है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम धागा लगा लेते हैं यहाँ पे और इसको बुन लेते हैं। ये देखिए इस साइड से मैंने ये फंदा बुन लिया है और इस साइड में हम उतार के और धागा अपनी तरफ कर लेते हैं और सभी फंदों को बुन लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा दसवां फंदा भी बढ़ जाएगा। ये देखिए दसवां फंदा बढ़ा लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, बीस फंदा मैंने यानी कि छोड़ दिया है इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल आसान और इजी है बिल्कुल। अब यहीं से इन दस फंदों को बुन लेते हैं, यहाँ तक इनको बुन लेते हैं। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो दस फंदे बड़े हुए हैं और दस ग्यारह बारह जो हम जिस पे हम अपना यहाँ पे डिजाइन बनाए हैं, बारह फंदे हो चुके हैं, बीस फंदा छोड़ दिए हैं इस तरह से। ये देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से हम अपना दसवें फंदे को, ये देखिए धागे को उतारेंगे और धागा अपनी तरफ कर लेंगे और इस फंदे को इसी में डालेंगे और यहाँ पे फंदा घटाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः छः सात आठ नौ और ये देखिए दस, दस फंदा अपना घटा दिए, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम सीधा ही बनाएंगे। और जो हमने ये देखिए इस तरह से ये हमारा, इसमें आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कंगूरा बना सकती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो हम 20 फंदे छोड़े हैं उनको सभी को हम इस तरह से बुन लेते हैं। छोड़े हुए फंदे हम सभी को बुन लेंगे तो है ना बिल्कुल आसान। ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है और एक ही कलर से भी ये काफ़ी सुंदर लगता है और बनाने में बिल्कुल इजी है। तो सभी को हम बुन लेते हैं एक सिलाई यहाँ पे लास्ट तक और यहाँ पे उल्टी सिलाई को भी बना लेंगे। सीधी पे फिर से एक बार दिखाएंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी एक पत्ती बन के कम्प्लीट है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से। अगर आप चाहते हैं इसको एक कलर में नहीं बनाना, आप इसमें मल्टी कलर लगा सकते हैं, दूसरा कलर ऐड कर सकते हैं या तीसरा भी। तो रंग बिरंगियाँ आप इसी तरह की पत्तियाँ यहाँ पे बना सकते हैं। मैं आपको ये एक ही कलर से बता रही हूँ पर आपने बनाना उसी तरह से है सेम। यहाँ पे एक पत्ती बन के कम्प्लीट है, सीधी जो फंदे छोड़े थे सभी को बना लिए हैं, उल्टी सिलाई को भी बना लिए हैं। अब फिर से हम यही करेंगे, धागा अपनी तरफ कर लिया है पहला फंदा उतार के और यहाँ पे फिर से हम
उसी तरह से जाली बनाएंगे। ये देखिए एक फंदा बढ़ चुका है, इसकी जो शुरुआत हमने यहाँ पे की है वो ही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, और सभी फंदों को बनाएंगे और लास्ट में हम फिर से अपना दो फंदा छोड़ देंगे। इस तरह से ही हमने ये पूरा अपना कंप्लीट करना है। बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं, ये मैंने एक ही कलर से आपको बताया है। लास्ट के मैं फिर से दो फंदा छोड़ूंगी, तो यहाँ पे मुझे 10 फंदे अपने बढ़ाने हैं। जो बढ़ता हुआ फंदा जाएगा सभी को हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ से मैंने बनाया है, सभी को मैं उल्टा उल्टा बनाती हुई गई हूँ। उसी तरह से हम यहाँ पे अपना 10 फंदा, जो बढ़ता हुआ फंदा जाएगा उसको हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में दो दो फंदा छोड़ते हुए जाएंगे। छोड़ने के बाद 10 फंदे घटाएंगे और सभी फंदों को पूरा भून लेंगे। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए लास्ट में फिर से फंदे छोड़ देती हूँ, यहीं से अपना फिर से टर्न कर लेती हूँ। तो इसी तरह से इसको हम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। जिस तरह से मैंने ये पत्ती बनाई है सेम उसी तरीके से पूरा डोरमेट कंप्लीट होगा। बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसे इसमें जो भी आपके पास पुराने कपड़े रहते हैं उन्हें सभी को यूज कर सकती हैं। तो आप चाहे रंग बिरंगी पत्तियाँ बनाएं मल्टी कलर में, चाहे एक कलर से ही बना लें, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको यहाँ पे बुन सकती हैं। तो चलिए हम इसको बुनते हैं इसी तरह से।